प्रिय मित्रों, एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनके पास एक हाथी था। राजा का महावत हाथी को रोज तालाब में नहलाने के लिए ले जाया जाता था। इसी तालाब में एक छोटा बालक नहाने आता था। हाथी जब तालाब में नहाता तभी वह लड़का जाता और हाथी की पूंछ पकड़कर उसे तालाब से बाहर खींच लाता। यह रोज की कहानी बन गई थी। महावत बड़ा आश्चर्यचकित होता कि यह छोटा सा लड़का ऐसा कैसे करता है। एक दिन महावत ने इस बात की सूचना राजा को दी। राजा बड़े हैरान हुए। एक छोटा सा बालक इतने बड़े हाथी को खींचकर तालाब के किनारे कैसे ला सकता है। राजा ने आदेश दिया कि जाकर पता लगाओ वह बालक खाता क्या है और वह कहाँ रहता है। सैनिक ने राजा की आज्ञा के अनुसार उस बालक के बारे में सारी जानकारी हासिल करके राजा के पास जा पहुंचा। सैनिक ने राजा को बताया कि वह बालक तालाब के दूसरे छोर पर बसे गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता है और नित्य स्नान के लिए उसी तालाब में आता है जिसमें शाही हाथी स्नान करने के लिए जाता है। उसकी माँ उसे खिलाती क्या है, राजा ने पूछा सैनिक से। सैनिक ने जवाब दिया, नमक रोटी। नमक रोटी? सिर्फ नमक रोटी खाने से उस बालक में इतनी ताकत है कि वह इतने बड़े हाथी को तालाब से बाहर खींच लाता है, राजा ने कहा। सैनिक ने कहा, जी महाराज, यही सत्य है। यह बालक सिर्फ नमक रोटी ही खाता है। क्या नमक में इतनी ताकत होती है, राजा ने कहा। जी महाराज, नमक में बहुत ताकत होती है, सैनिक ने जवाब दिया। सैनिक की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई कि क्या वाकई में नमक में इतनी ताकत होती है। राजा ने सैनिक से कहा, अगर नमक में इतनी ताकत होती है तो उसकी माँ से कहो आज से भय उस बालक को सिर्फ रोटी खिलाएगी, नमक नहीं। देखते हैं इसका क्या परिणाम होता है। सैनिक ने वैसा ही किया जैसा राजा का आदेश था। अब वह बालक बिना नमक की रोटी खाने लगा। अगले दिन से जब भी बालक तालाब में हाथी को खींचने की कोशिश करता तो वह हाथी को खींच नहीं पाता, बल्कि हाथी उसे खींचकर तालाब के बीचों बीच ले जाकर उसे छोड़ देता। महावत ने इस बात की सूचना राजा को दी। राजा प्रसन्न हुए, उनकी ये युक्ति काम कर गई और वे इस बात को भी समझ चुके थे कि वाकई नमक में बहुत ताकत होती है। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर प्रसन्न मन से नमक रोटी भी खाई जाए तो उससे भी शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। वहीं अगर दुखी मन से और कलह के साथ रोज पकवान भी खाया जाए तो वह किसी काम का नहीं होता। प्रिय मित्रों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए मेहमान बंधु बन करके आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल संसार दर्पण ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाली घंटी को ऑन जरूर करें। सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।